जी जनाब। हेलो हेलो सर, जनाब, प्रेजेंटर साहब मौजूद हैं? हेलो हेलो, नो सर, अभी तक आए नहीं है। इंतजाम साहब किधर हैं आप? हेलो, जी सर, आवाज तो आ रही है। इब्तिसाम सलामकुम क्या सर। मंसूर मंसूर साहब का कौन कर रहा था प्रेजेंट? इब्तिसाम कर रहे हैं, मंसूर कर रहे हैं, कौन कर रहा है प्रेजेंट? अल्ताफ सर, जी स्टार्ट करूं। मंसूर जी, शुरू कीजिए। सलाम अलैकुम। हमारे इसमें इस स्लाइड से आगे हम बताएंगे एक्सपेरिमेंट और फोटोवोल्टेक के मतलब रिसर्च के बारे में कि हम फोटोवोल्टेक पे रिसर्च क्या है। तो इसमें से हमने कुछ रिसर्च पेपर निकाले हैं जो कि बता रहे हैं अपना इसकी एफिशिएंसीज वगैरह कि क्या इफेक्ट होता है फोटोवोल्टेक पैनल पे थर्मल मतलब फोटोवोल्टेक थर्मल बनाने से। इंडोर सिमुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द फोटोवोल्टेक थर्मल एयर कलेक्टर जो कि 2009 की रिसर्च है। इसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एफिशंसी 8.4% बढ़ जाती है अपना फोटोवोल्टेक थर्मल से। और हमारे पास साइड प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें थर्मल एफिशिएंसी वो है 42% ऑफ द वाटर या एयर। और इसको मैं आगे अगले नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। दो एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो सेकंड वन हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इन्हेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीवी पैनल इंटीग्रेटेड विद सोलर थर्मल सिस्टम। इसमें ग्लास टू ग्लास पैनल यूज किया हुआ है, मतलब कि ग्लास टू ग्लास वो पैनल के ऊपर जो यूज़ करते हैं शीट यूज़ होते हैं ग्लास टू ग्लास शीट। इसके रेडिएशंस को के इफेक्ट को कम करने के लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमारे पास जो एफिशिएंसी बढ़ रही है वो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 11.65% एम्बियंट टेम्परेचर मतलब कि वेदर कंडीशन देख के, और थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास मिल रही है हमें 44.337%। और ग्लास टू ग्लास पीवी मतलब कि हमारे पास पीवीटी है, मतलब पीवीटी में हमने थर्मल सिस्टम मतलब कि यूज़ किया है वाटर और एयर एब्जॉर्बर को, और उसके साथ ग्लास टू ग्लास भी लगाया है। तो ग्लास टू ग्लास पीवी में हमारे पास जो एफिशिएंसी मिल रही है वो 10.95% है विदाउट थर्मल। तो हमारे पास थर्ड वन है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द बाई फ्लूड। बाई फ्लूड मतलब दो फ्लूड यूज़ किए हैं एयर और वाटर फोटोवोल्टिक थर्मल। इस रिसर्च पेपर में एवरेज एफिशिएंसी जो मिल रही है हमें वो है 10.92% एंड थर्मल एफिशिएंसी है 40.57%। ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीजेस विद मतलब कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है दोनों फ्लूड यूज करने से। फोर्थ वन हमारे पास जो फोर्थ है वो है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक मॉडलिंग ऑफ हाइब्रिड फोटोवोल्टेक थर्मल सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर मतलब कि हमारे पास सोलर रेडिएशंस या हीट की वजह से हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास पावर और थर्मल पावर डिक्रीजेस, मतलब कि रिफ्रिजरेंट जो लिक्विड यूज किया हुआ है टेम्परेचर हीट ट्रांसफर मतलब कि इस रिसर्च में हमने ये देखा है कि हमारे पास जो टेम्परेचर कम हो रहा है या हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ रही है वो 2200 टाइम हायर है वाटर और उसमें एयर की निस्बत। लेकिन ये हमारे पास बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है अगर हम इस प्लांट पे काम करें तो। अब हम इसके बाद एक्सपेरिमेंट देखेंगे, दो एक्सपेरिमेंट जो मेनली हमने रिसर्च में किए थे। नेक्स्ट स्लाइड सर। लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि टॉपिक है इंडोर सिमुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द फोटोवोल्टेक थर्मल एयर कलेक्टर जो कि सम ऑथर्स के से हैं और कुछ ऑथर्स का रिसर्च पेपर है। उस रिसर्च पेपर में हमने सिमुलेशन किया है
मतलब कि एयर कलेक्टर पे के एयर की वजह से हमारे पास फोटोवोल्टिक थर्मल पे क्या इफेक्ट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है, और रेडिएशन से क्या और उसके बाद दूसरा सिमुलेटर हमने यूज़ किया कि रेडिएशन की वजह से सोलर पैनल पे इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि करंट और थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ती है या कम होती है, हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास इंडोर सिमुलेटर, जिसमें कुछ पैरामीटर्स यूज़ किए हमने, और पैरामीटर एक है हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है, और उसके नीचे हमने जो शीट यूज़ की है वो टेडलर ग्लास, मतलब कि वो अपिक शीट है, उसमें से रेडिएशन पास नहीं होती। और हमारे पास 75 VP है, 75 VP मतलब कि हमारे पास जो सेल एक सेल की कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, करंट प्रोड्यूस करने की, वो है 75 VP। तो उसके बाद हमारे पास पैरामीटर है 1.24 to 0.57 meter ऑफ द शीट, मतलब कि पैनल्स की वो जो है विड्थ हाइट है। तो वुड कट मतलब कि हमने उसके नीचे एक बॉक्स यूज की है जो कि एयर फ्लो होने के लिए, उसके अंदर डक्ट यूज करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एयर को फ्लो करा के हम उसके टेम्परेचर वगैरह को कम करें और उसकी एक्सपेरिमेंट से हम अपनी रिक्वायरमेंट या ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो हमारे पास एयर फ्लो कराने के लिए हमने फोर्स्ड एयर यूज़ किया है, मतलब कि हमने फैन लगा के उसमें से एयर फ्लो को यूज़ किया है, और करंट हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है 1.5। ऑब्जर्वेशन को कम्प्लीट करने के लिए कि एयर फ्लो को कम करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, एयर फ्लो बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा हमारे पास पैनल पे करंट पे, तो इसलिए हमने रियोस्टेट यूज़ किया है जिससे हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं या फ्लो को बढ़ा या कम कर सकते हैं। और दूसरा सिमुलेटर है, दूसरे सिमुलेटर के पैरामीटर्स हैं हमारे पास हैलोजन लैंप्स हैं, 16 हैलोजन लैंप्स हैं, जो कि एक लैंप हमारे पास है 500 वॉट का, और उसकी वोल्टेज 240 और 11 एम्पीयर है, और एग्जॉस्ट फैन यूज़ किया है ताकि हम टेम्परेचर को फ्लो रेट मतलब कि एग्जॉस्ट फैन हमने नेचुरल एयर को कंसीडर करके यूज़ किया है जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे पास एयर देगा, वो जैसा कि एटमोसफेयर में कॉन्स्टेंटली हवा एयर चलती रहती है, तो उसको हमने कंसीडर करके यूज़ किया है। फर्स्ट वन में हमने यूज़ किया है एक डक्ट है जो कि वुडन का डक्ट है, जिसमें से डक्ट यूज़ करके हमने एयर फ्लो को यूज़ किया, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो इस एक्सपेरिमेंट से मतलब कि एयर वाले से जो हमने इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी जो बढ़ रही है वो है 42% है हमारे पास साइड प्रोडक्ट थर्मल एफिशिएंसी, और 8.4% है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बढ़ रही है इस एयर फ्लो की वजह से। ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद किए हैं? ये नहीं नहीं सर, रिसर्च है, मैंने पहले आपको बताया था रिसर्च। आप कह रहे हैं ना कि हमने ये किया है एक्सपेरिमेंट, मैं इससे परेशान हो गया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, सेट बनाया कहां पे? एनीवे ठीक, नहीं नहीं चलिए आगे चलें नेक्स्ट। हां यस सर, कंक्लूजन पे आ गए ना आप, तो थर्मल इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी नहीं आगे सर, उसमें ये तो कंक्लूजन है सिर्फ उसकी एयर एक्सपेरिमेंट सिमुलेटर की, और दूसरा सिमुलेटर आगे। तो सर इस सिमुलेटर से हमने जो अपना एयर सिमुलेटर है, तो उस एयर सिमुलेटर से हमने जो एफिशिएंसी हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो है एयर फ्लो रेट पे। हमारे पास एक्स एक्सिस पे है फ्लो रेट ऑफ एयर, और वाई एक्सिस पे है वन साइड राइट साइड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी। जैसे हमारे पास फ्लो रेट बढ़ता जाता है हमारे पास एफिशिएंसी कम होती जाती है अपना, सॉरी एक मिनट, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ती जाती है और तो थर्मल एफिशिएंसी कम होती जाती है। 1.0015 पे जब हम देखेंगे तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ज़्यादा है और मे बी और थर्मल एफिशिएंसी भी ज्यादा है, जैसे फ्लो रेट बढ़ रहा होता है। आप कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं राइट वाले? लेफ्ट वाले, सॉरी लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं सर। आप कर रहे हैं दो, आपने दो दिखाए ना, एक थर्मल दिखाया एक इलेक्ट्रिकल दिखाया आपने, दो आपके ग्राफ चल रहे हैं ना? हाँ, एक हमारे पास, हाँ दोनों ग्राफ में सर थर्मल और इलेक्ट्रिकल है। राइट वाले में हमारे पास टेम्परेचर है,
मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर, पहले वाले में हमारे पास थर्मल और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का ग्राफ है, और दूसरे वाले में हमारे पास दूसरा सिमुलेटर जो हमने रेडिएशंस का यूज किया था कि रेडिएशंस की वजह से एक्सप्लेन कर दूं, मैं एक बता रहा था कि सर रेडिएशन की वजह से जो टेम्परेचर पे इफेक्ट आएगा वो सेकंड वन है सर। फर्स्ट वन में सर हमने टेम्परेचर पे बात कर रहे थे थर्मल और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की, तो फ्लो रेट बढ़ने से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा उसमें, तो जैसे हमारे पास फ्लो रेट मैक्सिमम होता है तो उस वक्त हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो होती है एक देखिए आपका मैक्सिमम फ्लो रेट जो आ रहा है एक्स एक्सिस पे, आपने एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, नहीं सर वो इनवर्सली और इनवर्सली और डायरेक्टली रिलेशन में थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स हो गया था। नहीं 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 एक मिनट रुक जाएं जरा, यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या आपका जो नंबर क्या पता है, फ्लो रेट है ना। अच्छा तो फ्लो रेट जैसे-जैसे बढ़ रहा है आपका, आप देखें तो वो आपकी तो एफिशिएंसी कम हो रही है। हाँ सर, एक एफिशिएंसी कम होती है और दूसरी बढ़ती है, इस रिलेशन में थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स हो रहा हूं। कहां बढ़ रही है, दोनों कम हो रही है सर, दोनों बार आपकी नीचे की तरफ आ रहे हैं ना। हाँ ना, दोनों चार्ट आपके नीचे आ रहे हैं। फ्लो रेट जैसे ही फ्लो रेट बढ़ेगा तो हमारे पास फ्लो रेट बढ़ने से एफिशिएंसी कम हो रही है, क्योंकि फ्लो रेट बढ़ने से हमारे पास टेम्परेचर डाउन कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी कम हो रही है। तो भाई मेरे अगर आपका अगर आपका फ्लो रेट आइडियल फ्लो रेट अगर आपका 0.0015 ये तकरीबन आपका आ रहा है 0.0012 पे आ रहा है, तो आप उसी पे रखें ना जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम मिले एफिशिएंसी। दोनों थोड़ा सा कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्स हो गया था वो डायरेक्टली इन्वर्स, ये तो सारा ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ेगा आपका बेड़ा गर्क हो रहा है इसके अंदर। जी जी सर, जी जी चलिए अगला राइट वाला एक्सप्लेन करें। हाँ रेडिएशन, तो रेडिएशन हमारे पास जो है उन्होंने 600 वॉट पर मीटर स्क्वायर बताया कि हमारे पास एक मीटर पर स्क्वायर पे जो रेडिएशन है वो 600 पड़ रही है, तो जैसे जैसे हमारे पास रेडिएशन बढ़ती जाएंगी तो हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। हमारे पास जो फ्लो रेट है एयर का, हमने फैन लगाया था वो कॉन्स्टेंट पे ही लगाया था 0.01 किलोग्राम पर सेकेंड, तो हमारे पास TC1 है वो टेम्परेचर है अपना फ्लो रेट एक ही टेम्परेचर पे, और दूसरा TC2 और TC3। नेक्स्ट स्लाइड सर। इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो फ्लूइड यूज किए हैं फोटोवोल्टिक थर्मल के लिए, एक फ्लूइड हमारे पास एयर है और दूसरा फ्लूइड हमारे पास वाटर है, मतलब कि दोनों फ्लूइड एक ही साथ यूज करके हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमारे डिजाइन अनग्लेज्ड बाय फ्लूइड फोटोवोल्टेक थर्मल कलेक्टर पे है, जो कि हमारे पास स्प्रिंटन शेप एक स्पाइरल शेप की तरह कॉपर ट्यूब यूज कर रहे हैं वाटर के लिए, और हमारे पास जो एयर है वो सिंगल पास यूज हो रही है, मतलब कि नीचे से एक एज अ पास सिंगल पास एयर यूज हो रही है, मतलब कि फैन के जरिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो डिफरेंट व्यूज है, मतलब कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के पैरामीटर्स और स्ट्रक्चर जो है उसमें हमने फिग में बता रहे हैं कि हमारे पास फिग ए में यूज हो रहा है एयर इनलेट और एयर आउटलेट, फिग बी में हमारे पास नंबर टू जो है वो है अपना नंबर टू स्प्रिंटन कॉपर ट्यूब है, और नंबर थ्री है हमारे पास इंसुलेशन। हम ये राइट साइड पे हमने फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू दिखाया हुआ है एक्सपेरिमेंट का, मतलब कि पैनल का। तो थर्ड में टॉप व्यू में हम जब देखेंगे तो हमारे पास स्पाइरल ट्यूब जिसे स्प्रिंटाइन भी बोल सकते हैं, मैं स्पाइरल बोलता हूँ, जस्ट वैसे स्प्रिंटाइन बोलते हैं।
इसमें हमारे पास वाटर इनलेट हो रहा है और नीचे से जो है हमारे पास, अगर हम साइड व्यू देखें तो नीचे नीचे से पीगे में हमारे पास सिंगल पास एयर फ्लो हो रही है, मतलब कि जो हमने बाय फ्लूड यूज किया, एयर से भी हमारे पास टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है और वाटर से भी टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। हमने दोनों फ्लूड यूज करके जो हमारे पास एफिशिएंसी आ रही है वो है 10.92% और थर्मल एफिशिएंसी है 40.57%। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन में हमारा मकसद सोलर फोटोवोल्टेक्स सोलर का यूज करने का ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, मतलब स्फीयर कंडीशन पे हो तो अगर हम फोटोवोल्टेक थर्मल यूज करेंगे तो वो कम हो जाएगी या कम करने के लिए बहुत मुयस्सर है। तो एयर टाइप का जो फोटोवोल्टेक है, हम कंक्लूजन देख रहे हैं, मतलब कि हमने जो चीजें सीखी हैं इनमें से ये है कि एयर टाइप का फ्लूइड वो है कि एयर टाइप के फोटोवोल्टेक थर्मल की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस वाटर वाले से कम है और जो कवरलेस फोटोवोल्टेक कलेक्टर है वो रिड्यूस करता है हाई टेम्परेचर लॉसेस के लिए, मतलब कि वो टेम्परेचर कम कम हो जाता है उस पे, जो मैंने फ्रंट स्लाइड में मैंने बताया था पीवीटी ग्लास टू ग्लास एक्सपेरिमेंट में। तो हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस में हमें क्या फर्क होता है कि टेम्परेचर रिड्यूस करने से या टेम्परेचर डिफरेंस से क्या इफेक्ट हो रहा होता है इस पे फोटोवोल्टिक पे। उसके बाद रिफ्रिजरेंट और जो फ्लूड यूज करते हैं रिफ्रिजरेंट, उससे हमारे पास फोटोवोल्टिक पे क्या इफेक्ट होता है और वाटर की वाटर और एयर की कंपेयर में रिफ्रिजरेंट कितना यूजफुल है। उसके अलावा जो हमारे पास फोटोवोल्टिक के रिजल्ट हैं कि अगर टन्स ऑफ CO2 इमिशन, मतलब कि हमारे पास जो फोटोवोल्टिक यूज करने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पे इफेक्ट हो गया या कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सोलर इलेक्ट्रिक दूसरे सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती है उससे क्या हमें इफेक्ट होगा इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड सर। कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि हमारे रिसर्च में काम आए थे, मतलब कि हमें फोटोवोल्टिक थर्मल के पढ़ने में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट स्लाइड सर, लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट सर, खत्म हो गया जनाब। ऊपर मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ कंप्यूटर लैब। अच्छा मैं पहली स्लाइड पे जा रहा हूँ और पहले मैं देख लूँ कितने लोग मौजूद हैं और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आपसे सवाल पूछे। वैसे मैं आज आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद कल रात में 8 घंटे सोया था, नॉर्मली मुझे नींद नहीं आती, कल रात में पूरे 8 घंटे सोया हूँ, रात को 11:30 बजे 12 बजे सोए थे, सुबह उठा हूँ 8 बजे, लेकिन आपने मुझे 1 घंटे की नींद करा दी, मुझे इतना अच्छी इतनी प्यारी नींद आई है इसमें आपकी प्रेजेंटेशन देखते हुए, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुझसे। जनाब वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। रहमान जी हमाद आप जरा रुक जाएं, पहले जैन को पूछते रहे। जी जैन। ठीक है सर, मैं पहले एक क्लेरिफिकेशन करूंगा, जो सामान इंट्रोडक्शन में PCSI के बारे में बताया था कि वो फास्फोरस सिलिकॉन है, वो फास्फोरस सिलिकॉन नहीं बल्कि प्रोटोक्रिस्टलाइनिक सिलिकॉन है जो शॉर्ट वेवलेंथ सन की अब्सॉर्ब करता है। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ओसामा ने ये कहा था कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, पाकिस्तान में बहावलपुर में कायद अजम सोलर पार्क है जो कि 131 मिलियन US डॉलर्स का एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी आउटपुट वोल्टेज जो थी 100 मेगावाट थी, जबकि वो अभी करंट आउटपुट 18 मेगावाट दे रहा है और वो पुअर परफॉर्म कर रहा है सर, तो यहाँ तो हमें एफिशिएंसी नजर नहीं आ रही, तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वो हमें 18 मेगावाट दे रहा है।
जनाब सामा साहब जी सर, देखो जैन का जो सवाल था वो एफिशिएंसी को रिलेट कर रहा है। देखिए ये जो एक जो एनालिसिस हुई है ये एक छोटे पैमाने के ऊपर हुई है और ये छोटे प्लेट को लेके हम लोग ने जो है इसके ऊपर स्टडी करा है, तो इसके हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो हमने एक छोटे उसके ऊपर देखे हैं। ये मतलब किसी जाहिर सी बात है, अगर हम इसको एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो हम किसी और नज़र से देखेंगे इसको। और दूसरी, आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, आपको एक आइडिया तो होगा कि क्या मेन कॉज हो सकती है इसकी पूरी एफिशिएंसी की? देखो हमने असल में कंपेयर नहीं करा इसको बहुत किसी बड़े प्लांट से कंपेयर नहीं करा, हमने जस्ट एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट समझ लो उसके ऊपर एक ये हमने एक बेस करा। ये बुनियादी तौर पे ये है कि आप जो तारीफ कर रहे हैं सोलर की, जो सोलर की जो दुनिया बात कर रही है ना, आप कह रहे हैं कि जी बस सूरज लो और उससे बिजली बनाए चले जाओ, फॉसिल फ्यूल में ये खराबी है, we all agree to that। उनका सवाल बड़ा आसान सा है कि आप देखें ना, अगर आप फॉसिल का कोई प्लांट ले लें, एलएनजी का प्लांट ले लें जो अभी लगा है हवेली बादशाह के अंदर, उसकी टोटल एफिशिएंसी 62-68% तक चली जाती है, राइट? आपने एक प्लांट लगाया उसके 130 मिलियन डॉलर का, 100 मेगावाट का, और वो आपको 18 मेगावाट दे रहा है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का फायदा किया नेचर का कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट बस लगी हुई है और उससे 18% आप रिकवरी ले रहे हो, आप ये सवाल कर रहे हैं ना सर? देखिए आप इसको डिफेंड कर सर, रहे सर देखिए फायदा ये है। जी सर, सर फायदा ये है, देखिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी सर, उसमें कोई आपकी मजीद मेंटेनेंस आपको वक्त के साथ साथ नहीं करनी। आपने एक दफा प्रोजेक्ट लगा दिया, आपको ये कुदरती है जो आपको मिलता रहेगा। कोई मेंटेनेंस नहीं होती इसकी? सर मेंटेनेंस अगर होती भी है तो बहुत सस्ती होती है, मतलब उसके अगर आप फॉसिल फ्यूल से देखें तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें टाइम लगाना पड़ता है, पूरी कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है, और बाहर नेचुरल जो रिसोर्सेज है बाहर से खरीदनी भी पड़ती है जैसे पेट्रोल वगैरह, तो इसके अंदर से आपको कुछ अलग से बाय नहीं करना फॉसिल फ्यूल्स के लिए अगर आप इस सोलर एनर्जी को देखें। अच्छा चले अहमद, आपका क्या सवाल था भाई? सर मेरे पास तो कोई 7 सवाल है, आप एक एक करके पूछते चले जाएं, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है सर, कंक्लूजन पे आ जाए, सबसे पहले कंक्लूजन से शुरू करते हैं फिर हम ऊपर आएंगे। एक मिनट में नीचे। यही आप इसी स्लाइड की बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर। देखो उसामा, अभी जैन ने तुमसे बोला कि वो तुम लोग जो मतलब तुमने जैन को बताया कि तुम लोग छोटे सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहे हो और बड़े लेवल को जब तुम देखोगे तो बहुत लाइक एक डिफरेंट नजर से देखोगे, एक डिफरेंट तरीके से उसको अप्रोच करोगे। तुम ये बात करते हो और फिर उसके बाद तुम कंक्लूजन की लास्ट स्टेटमेंट में क्लेम करते हो कि तुम गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर दोगे दुनिया से। पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि तुमने यहाँ पर बात की हुई है कि रेफ्रिजरेंट बेस्ड पीवीटी जो है वो यूज होता तो वो और अच्छा हो सकता था, तुमने क्यों नहीं यूज किया? ठीक है, और तुम मतलब फिर कार्बन वाटर और एयर को क्यों एनालाइज करते रहे, तुम हमें फिर रेफ्रिजरेंट का ही एनालिसिस बताते। तीसरी चीज ये कि तुम कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हो, कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं ये समझा देना प्लीज। पीछे की स्लाइड्स पे सर आ जाएं जरा। या मंसूर, आपने हाथ उठाया हुआ है, आप जरा सवाल नोट करने। हाँ हाँ, और फिर वन बाय वन इनको आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इसकी बात कर रहे हैं हम, ये और पीछे जाऊं? नहीं नहीं सर, पीछे जहाँ पर ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड एक चीज इन्होंने एक्सप्लेन की थी कि वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और नहीं कर रहा, तो उसमें इन्होंने कहा था कि एक साइड जो है वो शाइनी है, कौन सी साइड शाइनी है, क्या चीज वो कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आया सर। ये बात कर रहे हैं सर? मैं बोलूं सर? नहीं, मैं पहले स्लाइड तो आ जाऊं जो बात कर रहे हैं आप। ये बात कर रहे हैं, ये वाली स्लाइड बात कर रहे हैं? इससे भी पीछे सर, इससे भी पीछे। ये और ये सर, बिल्कुल ग्लेज एंड ग्लेज की। जी ये आपका आखिरी सवाल है? नहीं सर, अभी अभी एक दो सवाल और हैं। एक तो एक चीज इन्होंने सारे सवाल आप पूछ लेना ताकि वो इकट्ठे एक एक करके जवाब दे। जी सर, एक एक मुझे ये समझ में सवाल नोट करते रहिए आप लोग उसामा और मंसूर। सर एक चीज इन्होंने बोली थी, ASI जो था वो ए सिलिकॉन कोई था, तो वो इनको नहीं पता था कि वो क्या होता है, एमॉर्फस, तो वो भी मैं जानना चाहता हूं। एमॉर्फस सिलिकॉन, ठीक है ठीक है, हां वो मैं बता रहा हूं आपको। ये बात सही है, ठीक है। और
एक और था कि तुमने मुझे कहा, तुमने हम सबको ये बताया था कि सोलर और थर्मल में क्या फर्क होता है, ये भी थोड़ा समझा दो, और बायोमास और केमिकल एनर्जी में क्या फर्क है ये भी समझा दो। ठीक है ठीक है ठीक है सर, शुरू करूं सर? जी बिस्मिल्लाह। सर सबसे पहली चीज, उन्होंने कार्बन क्रेडिट की बात करी है, वो तो सर देखिए ऑब्वियसली हमें इसके अंदर मिलेगा। आखिर में बात की है इन्होंने, पहले तो इन्होंने कंक्लूजन की बात की है, चले आप कार्बन क्रेडिट का बता दें। सर असल में चले मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, फिर जाहिर सी बात है सारे सवाल मैं नहीं बताऊंगा, कुछ मंसूर ही बताएगा, जो कुछ मंसूर बताएंगे कुछ इब्तिसाम बताएंगे। आप पहले कार्बन क्रेडिट का बता दीजिए। जी सर, कार्बन क्रेडिट में सर ऑब्वियसली इसके अंदर तो हमें देखिए बेनिफिट मिलेगा, वो इस वजह से मिलेगा क्योंकि देखें ये सोलर एनर्जी जो है ये कोई ऐसा बर्न नहीं होता, यानी कि आपको डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बर्न नहीं होती और आपको एनवायरनमेंट जो है वो खराब नहीं होगा। दूसरी चीज जो उन्होंने पूछा कि ASI, तो ये सर एमोर्फस एक मिनट, कार्बन क्रेडिट होता क्या चीज है, क्या चीज है ये कार्बन क्रेडिट, क्या है यार कार्बन क्रेडिट? यही ना कि हमें इसका, हमें कार्बन का कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे कार्बन बर्न होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कार्बन बर्न होगा तो वो माहौल को खराब करेगा, तो हमें कार्बन क्रेडिट मिल रहा है इसके ऊपर कि हमारे पास कोई ऐसे टॉक्सिक गैसेस जनरेट नहीं हो रही जो हमें नुकसान पहुंचाए। देखो देखो बात सुनो उसामा, बात सुनो बात सुनो, जो सवाल उसका है ना वो बड़ा टेक्निकल सवाल है। बात ये है कि दुनिया ने एक बैंक बनाया है, ठीक है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी जितने भी आप फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, हर वो चीज जो आप जलाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और बहुत सारे जजीरे डूब जाएंगे। मुख्तसर कहानी ये है ना, वो ये कहते हैं कि जी आप कार्बन के लोड को अपने कम करते चले जाएं, तो जितना आप अपना कार्बन का लोड कम करेंगे वो कार्बन क्रेडिट कहलाता है, उसके आपको पैसे देते हैं एक तरीके से। बैंक के अंदर आप करेंसी लोड लेके जाते हो तो आपको पैसे मिलते हैं ना उसके बदले, मतलब आप या आप प्राइस बॉन्ड लेके गए, आपके पास एक प्राइस बॉन्ड है 40,000 रुपए का, आप लेके गए बैंक से, आपने कहा मुझे पैसे दे दो, आपको 40,000 रुपए कैश दे देगा। बिल्कुल ये प्रिंसिपल कार्बन क्रेडिट में इन्वॉल्व होता है कि उसूली तौर पे अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट इस मुल्क की या किसी भी मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है कार्बन की जितनी होनी चाहिए, अगर वो उससे कम इस्तेमाल कर रहा है तो दुनिया उसको पैसे देती है। आज भूटान दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर मुल्क है इस लिहाज से कि जितनी उसको कार्बन करनी चाहिए उससे कम वो इस्तेमाल कर रहा है, उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। 60% मुल्क को उन्होंने अपने जो है वो फ्री कर दिया है। तो वो जो बात कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैंक कि जितनी आप उसामा जो एक्सप्लेन कर रहा वो कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड है, वो फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं आप, ये वो आई एग्री। कार्बन क्रेडिट तो एक तरीके से आपको पैसे मिलते हैं कि जितनी आपकी आबादी, मिसाल के तौर पे आपकी आबादी 22 मिलियन है 220 मिलियन है और दुनिया ने फैसला, मतलब एक रूल ऑफ थंब बनाया कि जी आपको इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप बनाते, मतलब बनाने की इजाजत थी, लेकिन अगर आपने जितनी बनाने की इजाजत थी उससे अगर आपने कम बनाया आप जाएंगे यूएनओ के पास, आप पैसे ले लेंगे उनसे कि जी मुझे इतनी इजाजत थी मैंने इससे कम बनाया, दैट इज कार्बन क्रेडिट ना। कोई प्रोजेक्ट जब आप लगा रहे हैं जिसके उससे जितनी कार्बन जनरेट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होनी चाहिए, वो अगर आपने उससे कम की जो उसकी थी, मिसाल के तौर पे आपने थर्मल का पावर प्लांट लगाया, राइट, उससे जो जाहिर है आप फॉसिल फ्यूल जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर उसके बदले अगर आपने उसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रल से, हाइड्रल एनर्जी से या सोलर एनर्जी से, तो यू कैन गो कि मेरे मुल्क की रिक्वायरमेंट 4,000 मेगावाट मैंने हाइड्रल एनर्जी से बना लिया, ऐसे बना लिया, मैंने इतने कार्बन क्रेडिट सेव कर ली, मेरे इतने पैसे दे दो। Am I right, हमार साहब यही है ना कॉन्सेप्ट इसका? जी सर बिल्कुल यही होता है, आपको फंडिंग मिलती है, फंडिंग मिलती है ना आपको, एक तरीके से कैश है ये आपके लिए ना, आप जाके कैश लेते हो उनसे, चले वो तो एक अलग बात होगी ना। अभी तो इनका सवाल कुछ और, चार पांच इन्होंने 6-7 बड़े अच्छे सवाल किए हैं, कुछ सवाल ही मेरी ये खुशकिस्मती कह लें बदकिस्मती कह लें जो सवाल मेरे जहन में होते हैं ये लोग पूछ लेते हैं। तो इन्होंने जो सवाल पूछे थे एक तो हो गया आपका कार्बन क्रेडिट वाला, और गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी सर मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी जी बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुमने लार्ज स्केल के दावे किए हुए हैं और तुम ज़ेन को भी समझा रहे हो कि हमने छोटे स्केल पे एनालाइज किया है, तो ये मुझे समझाओ कि तुमने कैसे दावा कर दिया कि गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड तुम बात सुने। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, आपके कुछ क्वेश्चन थे गीगा टन्स के, कार्बन क्रेडिट के, ग्लेज्ड के और सोलर थर्मल का आई थिंक एक क्वेश्चन था, गीगा टन्स पे आते हैं तो आप
हाँ रेफ्रिजरेंट्स जी, रेफ्रिजरेंट का भी था एक। आखिरी स्लाइड सर, कंक्लूजन वाली स्लाइड पे ले जाए काइंडली सर। उन्होंने बात की थी गीगा टन्स की, तो गीगा टन्स की तो हमारे पास, हमारी तो एक रिसर्च है कि अगर हम ऐसा काम करें कि हमारे पास सोलर फोटोवोल्टिक थर्मल यूज करें या पीवी यूज करेंगे एज अ इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब कि जहाँ पे हमें हाई लेवल पे यूज करेंगे बड़े प्लांट पे, तब जाके ऐसा काम होगा। तो हमारी एज अ रिसर्च थी, हमने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हाथ से नहीं किया। छोटा सा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो उसामा ने अभी जैन को जो जब ये बोला कि हमने तो बड़े स्केल पे कुछ देखा ही नहीं है, हमें तो छोटे स्केल का पता है, तो तब तो उसने तुम्हारी रिसर्च और तुम्हारे दावे को झुठला दिया। ऐसी बात नहीं है कि, तो एक मतलब कि रिसर्च के मुताबिक अगर हम पीवी यूज करेंगे तो उसका हमारे पास बेनिफिट्स क्या होगा कि हमारे पास कार्बन गीगाटन्स कम हो सकती है, हो सकती है एज अ रिजल्ट। तो दूसरा क्वेश्चन था रिजल्ट, जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं ना तो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है आपकी। इस वक्त आपके एक साथी ने जवाब दिया, वो जवाब या तो आप कहें कि वो जवाब मुनासिब नहीं है, उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अलग बात है। ये कह के आप अलग नहीं हो सकते कि वो जवाब मैंने नहीं दिया। ग्रुप में कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है सबकी, यू हैव टू ओन इट, आइदर राइट और रॉन्ग, हर सूरत में आपको उसको ओन करना पड़ेगा। अब आप उसके जहन के साथ अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिसको आप बेहतर करना चाहते हैं, आपके पास हक है, आपके पास टाइम है, आप सर हाँ, जैन का, जैन का क्वेश्चन था कि भावलपुर में एक प्लांट है जिसकी एफिशिएंसी 100 से 18% पे आ गई है जी, 80... नहीं नहीं नहीं, ये देखें फिर आप गलत कह रहे हो। हाँ, सवाल ये था कि 135 मिलियन का प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का है, 18% दे रहा है वो, यानी 18 मेगावाट दे रहा है। तो ये जो है आपका जो सारा के ये एनर्जी जो क्लीन, ये तो उसके मुकाबले में जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्लांट है एलएनजी का, वो 64% एफिशिएंसी दे रहा है। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो आपको पता चलेगा कि 135 बिलियन का रिटर्न आपको आते आते 25 साल लग जाएंगे, और वो जो प्लांट है आपको 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में पे बैक कर देगा। तो क्या सिर्फ एनवायरमेंट की कॉस्ट के ऊपर हम जैसा मुल्क अफोर्ड कर सकता है इस चीज को? और आपकी ये जो रिसर्च है, अगर ये इतनी अच्छी, मतलब ये 2009 का भी आप बता रहे हैं, वो प्लांट लगा है 2015 के अंदर, इफ माई मेमोरी सर्विंग में राइट, 14 या 15 में लगा है। तो उस प्लांट में ये रिसर्च, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज की गई एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? जो मैं समझा उनके सवाल को, हो सकता है उनके जहन के जहन में कुछ और चीज हो, लेकिन मैं इससे ये मतलब दे रहा हूँ। सर मेरे क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है, जो बावलपुर का जो प्लांट था वो इसलिए फेल हुआ कि जो इनिशियल सर्वे उन्होंने किया उसमें उन्होंने एरिया की जियोलॉजी को समझा नहीं, जियोलॉजी को। वहां पे डस्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो सनलाइट को हिंडर कर देता है सोलर पैनल्स के अंदर पेनिट्रेट होने से, तो इस वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो गई। मतलब बड़ा सिंपल सा सर इसका आंसर था सर। जी जी जैन, तुम्हारा आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। अभी हमारे 5 सवाल हैं, पहले वो तो पूरे कर लें ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, 15 नंबर इतने आराम से तो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ये समझ लीजिए आप जिस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं आप। जी तो ना, आपका क्वेश्चन था रिफ्रिजरेंट बेस्ड पीवीटी। तो रिफ्रिजरेंट आप देखेंगे कि रिफ्रिजरेंट कितनी मतलब कि कॉस्टली है, तो इस वजह से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपना रिफ्रिजरेंट इम्प्रूवमेंट क्या देता है, रिफ्रिजरेंट और वाटर और दूसरे एब्जॉर्बर जो यूज़ कर रहे हैं हम, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे पास। तो जब हमने रिफ्रिजरेंट यूज़ किया मतलब कि रिसर्च में जो है, तो उससे हमारे पास एफिशिएंसी 20-100% मतलब कि उससे इम्प्रूव हो रही है वाटर से। तो हम ऐसे नहीं है कि हम रिफ्रिजरेंट यूज करते हैं अपनी हाई बड़े प्लांट पे तो हमारे लिए ये कॉस्टली हो जाएगा जो कि हमें नुकसान देगा। उससे अच्छा हम हाउस वाली मतलब लोकल प्लांट से बिजली लेके काम कर लें, पावर लेके। मंसूर, तो इस वजह से मतलब एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम व्यू दे रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। एक सेकेंड,
मैं तुमसे रेफ्रिजरेंट यूज करने को नहीं कह रहा था, मैं तुमसे कह रहा था तुमने पूरी प्रेजेंटेशन में हमको पानी के बारे में एक्सप्लेन किया और फिर आखिर में कह रहे हो कि रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता, तो रेफ्रिजरेंट से ही हमें एक्सप्लेन कर देते लड़के। नहीं ना, हाँ ये आपकी बात सही है। मंसूर एक मिनट, जी मंसूर मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए, मैं इसको वीडियो को सेव कर दूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। आपकी प्रेजेंटेशन अभी खत्म नहीं हुई, बहुत सवाल मेरे भी बाकी हैं। मैं वापस आ रहा हूँ, आज आपने जाना नहीं जब तक ये पूरा मुस्लिम